दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में न्यू कॉलोनी स्थित देव समाज स्कूल के बाहर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए परिजनों ने रोड तक जाम कर दिया। स्कूल में दो दो प्रिंसिपल के नियमों से परेशान होकर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। दो प्रिंसिपल की चली है, दो मैनेजमेंट हो रखी है, ना तो कोई उस चीज का कोई डिसीजन देते हैं। कभी कभी जो सैलरी और जो बच्चों की फीस जा रही है, कभी कुछ ले रहे हैं, दूसरी मैनेजमेंट है वो कुछ लेने लग रही है। और इस बार तो क्या, मैं अभी तक बच्चों का के नाम रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है इन्होंने। एक स्लिप के ऊपर, ये देखो, एक स्लिप के ऊपर क्या नाम है रिजल्ट निकाल के देने लग रहे हैं। ये बताओ जी, ये स्कूल है, बताओ इनसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर? यहाँ से इनसे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे हम? तो आज स्कूल का रिजल्ट निकलना था बच्चों का, तो रिजल्ट के रिपोर्ट कार्ड जो उसके जो मेन कार्ड्स होते हैं ना, वो हमने टीचर्स को दे दिए थे। उन्होंने उसमें अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर दिया बच्चों का, और वो रिपोर्ट कार्ड्स आज उनको देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। अब ये वजह है कि उनकी सैलरी रोक दी जाती है सोसाइटी की तरफ से, जो सैलरी दी जाती है हाई कोर्ट में एक सोसाइटी का बंदा और दूसरा देव समाज विद्या निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल, उनको साइनिंग अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने ही बंदे को बिठाकर साइनिंग अथॉरिटी लेने लगे, जिससे इसके बाद वह टीचर्स को धमकी देने लगे कि आप हमारा कहना मानेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे, जो हमारा कहना नहीं मानेगा और उनको फिर हम मतलब धमकी देना कि हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। मैम, पेरेंट्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल, दो दो प्रिंसिपल होने की वजह से फीस के जो अमाउंट है उसके अलग अलग रूप में डिमांड होती है। सर, 35 साल से ऊपर से ये स्कूल चल रहा है, लेकिन जो हमारा फीस काउंटर है पुराना काफ़ी चल रहा है, उधर से जो फीस आ रही थी पहले ही 35 साल से, वहीं पर हमने उनको पेरेंट्स को बोला वहीं जमा कराइए, क्योंकि अगर कहीं और आप जमा कराते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे।